Hey what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you're watching Beat Blasters. So guys, Big Boss के तीन हसीन चेहरे, तीनों की फ्रेंडशिप भाई इतना वायरल हो गया। लखन और एक कोई एक तो आता है यार, राम लखन होते हैं। हाँ राम लखन होते हैं, बट कोई और डाल देते हैं बीच में। अच्छा, तीनों जाएंगे फिर। तीनों जाएंगे ना। तो yes. भाई एमसी स्टैन, शिव और अब्दू भाई, इन तीनों की दोस्ती है बहुत अमेजिंग भाई, बड़ी अमेजिंग सी क्यूट वाली दोस्ती है। हाँ दोस्ती है, रियल दोस्ती, रियल दोस्ती है भाई। इनमें से तीनों को ये है कि जो मर्जी जीत जाए, फायदा किसी को नहीं, फायदा किसी, फायदा लेते हैं, लेते नहीं कि हाँ बस तीनों में से कोई भी जीत जाए, बस जीतना हम तीनों में से चाहिए, कुछ भी ऐसा ग्रुप में से ही हमारी मंडली में से, मंडली से कुछ है ना अलग ही है। अच्छा वो इनको कहती है मंडली, मंडली, अच्छा मंडली, साजिद भाई, साजिद सर, सुम्बुल, ये पांच मंडली ने वोट कर दिया उसने जब उसको प्रियंका को नॉमिनेट करना था। हाँ। मंडली है ना। अच्छा तो गाइस आज पता चले, तो उसको प्ले करते हैं, देखते हैं उनके बेस्ट बेस्ट मोमेंट्स तीनों के क्या है और एंजॉय करते हैं भाई। सो करें प्ले ओ भाई उसको भी खिला रहा है। हाँ। क्या यार क्यूट, बहुत क्यूट है। ओ भाई एमसी सैन सैड था इस टाइम बहुत ज्यादा। अच्छा आई एम सैड यार, मेरा दिल, मेरा दिल। ओ भाई लड़ता भी बड़ा इनके साथ है ना। अरे पागल क्या ना, वो चाकू पकड़ा है, क्यूट है यार, चाकू पकड़ा है। What happened to you, Abdu? What are you doing? हाथ में चाकू पकड़ के। First not seeing, after going inside. मैं गुस्सा था इसको। आया आया MC, आई गैंग पीछे। Only. क्या बात? Stupid. बेचारा ने कबड़ तरसाया किया उसे। क्यों? बेचारा चला गया? देखना। इसको जगह नहीं मिल रही क्या है? ओ अंकित भाई सुनो ना, ये देखो ये दो तीन है। नहीं नहीं इधर इधर आओ, जनता जनता ये देखो जनता, ये इतने बड़े बड़े लोग ऐसे रुकते लाइन में ना के, वो बच्चे का हाथ नहीं पुर रहा उसमें भी इनकी जल रही। मेरा दिल, मेरा जान, मेरा कितना क्यूट है यार ये ना। इसमें क्या था ना कि मतलब ये ठेले से सामान सब इन्हें उठाना था ना, तो सारे खड़े थे आपस में घेर के, इतने से कुछ जगह नहीं मिली सामान उठाने की बेचारे को, कुछ उसके हिस्से में नहीं आया था। फाइनल होता और ये ट्रॉफी होती तो ऐसे ही बलिदान देते क्या स्टैंड? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये दोस्ती सर, मैं शिव को बुलाना चाहूंगा, ये हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे फिर दोस्त सही हो या गलत हो। क्या बात है, ये हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे फिर दोस्त सही हो या गलत हो। सही बात है, यहाँ पे शिव का कोई नहीं था ना, पर फिर भी आया भाई, एमसी के लिए आया शिव। ये होती है फ्रेंडशिप। ये सोते हैं कितने दोनों? आपस में नहीं सोच सकते लड़का लड़की, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। Oh,
सही बड़ चिड़ाते हैं उसको बेचारे को ओ भाई इतनी चप्पल इतनी चप्पल लेना थी यार अपना अपना बिजनेस सभी ने खुद ध्यान रखा और क्या दे सकता है तू मेरे को संतरा मेसी कैप्टन बनेगा तो फिर अलग और मजा आएगा थोड़ा ये तुम्हारी अभी तक बना क्यों नहीं रहे लंच तुम्हारी उठ काम कर होटल में लगे रहने चल एक ही चीज की नौकरी चाहिए अगर मुझे नहीं मिलती है तो एक मेरा दोस्त है एमसी कुछ डिफरेंट है घर चलाते वक्त कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी तो ऐसा लगता है जाने के पहले मैं वो कैप्टन बनने का और ये फीलिंग लेने का दैट्स मेरा भाई ताड़पत्री बोला ना क्या इशू आसमान भी नहीं दिख रहा एक टाइम आसमान दिख रहा था तो नहीं क्या मानते थे हम लोग सुन सुन वो क्या करता है चल जाता जाता है ऐसे जाता है खड़े हो जाता है फाइनल होता और ये ट्रॉफी होती तो ऐसे ही बलिदान देते क्या स्टार हाँ सर हाँ सर यार ये बहुत ही बड़ी बात है बहुत ही कमाल की बात है कि अगर ट्रॉफी होती तो दोस्ती ट्रॉफी से आ गया यार वाकई में दोस्ती के आगे क्या चीज़ भाई भी हिंदी मातृभाषा तुम लोग खुद को मालूम क्या विषय क्या नहीं नमस्ते क्या बोलते भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग पटेल रखे ढके क्या मालूम क्या नहीं क्या मतलब मेरे में क्या मालूम बुरा ही रहेंगे अच्छे रहेंगे एंड ऑफ द डे इंसान है नहीं क्या मैं मेरे में एक अच्छा ही रहेंगे नहीं क्या इसे कि मैं मेरे भाई लोग की बुराई नहीं कर सकता नहीं तो इधर ये टास्क नहीं कर पता नहीं कहे की क्यों नहीं बने कैप्टन नहीं क्या दोनों शिव अगर कैप्टन बनेगा ना तो मैं खुश होऊंगा क्या हक से दिल से क्या अब्दू बनेगा ना मैं खुश होऊंगा मैं बनेगा ना तो दोनों खुश होंगे उनको लगा नहीं क्या वो लोग कैप्टन बनने का सही बात सर मैं शिव को बुलाना चाहूंगा ये हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं चाहे फिर दोस्त सही हो या तू चुप है तो ये डर लगता है अपना मुझको पापा शिव मनोराव उत्तम राव झिंगू जी गनु जी ठाकरे आई चा गावा अब ये तो विदेश का है नहीं है कहाँ तक है ये सब आपके हाथ में बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ Parking her close. I told you, you are the
पीछे कौन है सबसे लास्ट में? So guys, ये थी वीडियो परसों के टास्क में तमसी स्टैन ने शो एशराम बोला था कि अगर किसी ने अब्दू के से बोर उठाई तो मैं बद उसे की पलट दूंगा टोकरी जो भी है यार तो देखा नहीं वो भी देखेंगे गाइस हम लेके आते रहेंगे जैसे जैसे आपको पता बिग बॉस आगे बढ़ रहा है हाँ। तो ऑब्वियसली बात है हम भी छोटी छोटी क्लिप्स इकट्ठी करेंगे और कुछ अमेजिंग सी वीडियोस प्रेजेंट करते रहेंगे जैसे ये वाली थी और होप सबको मजा आया हो देख के वीडियो होप सो कि ये फ्रेंडशिप इनकी लाइफ टाइम तक करके हमें मजा आएगा देखने में सही बात है और दूसरी बात ये कि मैं ये सोच रहा था जब तीनों में से कोई एक भी बाहर जाएगा जाएगा तो है मैं बहुत रोंगी मुझे पता है मैं बहुत रोंगी जब चला जाए क्यों हो सकता है मेरे को लग रहा है यार कि जाने देंगे तीनों तीनों इकट्ठे पांच रहते हैं लास्ट में पांच रहे ये रहेंगे एक चौथी प्रियंका और चौथी प्रियंका एक और कोई हो सकता है शालिनी या टीना में से कोई हो सकता है हाँ ऐसा भी हो सकता है या फिर अब्दू मेरे ख्याल से चला जाएगा ये तभी देखेंगे ये क्या चीजें बढ़ती है भाई वही बड़ा अमेजिंग होने वाला उसके बाद फिर मेरे ख्याल से एमसी स्टैंड की चाहे कोलैबोरेशन रहा इनके साथ भाई तब पब्लिक पूरी झूम उठेगी और भाई हमारे कमेंट्स से तो सिर्फ शिव अब्दू एमसी स्टैंड और शिव को ही ज़्यादा भिन्न कहा जाता है या तो शिव आप सभी को पसंद है इस वजह से या फ्रेंडशिप की वजह से वो आपको पता होगा रीजन बट बेस्ट है भाई शिव भी सही है एमसी स्टैंड तो एक अलग ही बंदा है उसको हम ना वर्ड्स में कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ है वो कुछ अलग ही है भाई यूनिक ऐसा पीस है कि वो डिस्क्राइब भी नहीं होता सो बाकी ये थी वीडियो होप सबको रिएक्शन पसंद आया गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।